उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह गुरुद्वारा अय्यागंज में स्थित है, जहां सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर जी महाराज 1670 में आए थे और महाराज 3 दिन इसी स्थान पर रुके थे। यह स्थान अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही यह स्थान भूखे लोगों का सहारा भी है। यहाँ सभी धर्म के व्यक्ति लंगर का प्रसाद खाकर अपना वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब अय्यागंज, यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी महाराज सिखों के नौवें गुरु 1670 में आए थे और महाराज 3 दिन यहाँ पे रुके थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1672 में यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा रुके थे और इस स्थान पर जब से गुरु महाराज की कृपा हुई है, जो गुरु नानक देव जी महाराज ने 20 रुपए का लंगर चलाया था उस समय के हिसाब से, वो सोने के 20 रुपए के सिक्के थे, तो आज के हिसाब से वो 10-12 लाख रुपए के बनते हैं। तो तब की ये प्रथा जो प्रारंभ हुई, जो महाराज ने ज़रूरतमंद लोगों को देखते हुए कि किस कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, क्योंकि ज़िंदगी की 3 ज़रूरतें बड़ी अहम होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा मकान इसी तरह से बंदे को ना भी मिले तो कहीं भी रह सकता है इंसान, लेकिन रोटी के बिना नहीं रह सकता। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पहली ज़रूरत को पूरा करने के लिए लंगर की प्रथा को कायम किया और उसी प्रथा को देखते हुए इसमें ये भी नियम बनाया कि किसी एक धर्म विशेष का व्यक्ति ही उस लंगर को ना प्राप्त करे, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हो या बौद्धि जैनी पारसी बहाई, जो भी धर्म से कोई आ रहा है, किसी वर्ण जात से आ रहा है, अगर एथिस्ट भी है, नहीं भी धर्म को मानता, तब भी उसको लंगर प्राप्त हो सके। क्योंकि मेन काम तो भूख का है और परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता, और परमात्मा के जो अवतारी पुरुष हैं गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने भी ये चाहा कि कोई भूखा ना रहे। और इसी परंपरा को निभाते हुए इस स्थान पर हर इतवार को सुबह से दीवान सजता है और 12:30 बजे से लंगर स्टार्ट होता है। उसमें कोई भी व्यक्ति आए, तकरीबन शाम के 4 बजे तक लंगर चलता है। उसके बाद शनिवार शाम को यहाँ पर लंगर बनाया जाता है, उस समय भी बहुत सारे लोग आते हैं। आज क्योंकि गुरुवार है, वीरवार जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थर्सडे, उस शाम को बहुत ज़्यादा संगत आती है और इसमें बहुत से जो सहजदारी नॉन सिख लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, क्योंकि इस दिन मार्केट बंद होती है, पार्किंग की जगह लोगों को मिलती है, तो बहुत ज़्यादा गिनती में लोग आते हैं और बड़े ही अच्छे स्तर पर एक लंगर बनाया जाता है। लंगर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दाल रोटी साधारण से मिलेगी, नहीं, अक्सर अमूमन होता है कि पनीर की कोई आइटम सब्जी ज़रूर बनाई जाती है और रोटियां बहुत हाइजीनिक तरीके से बनती हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छी मशीन है जिसमें रोटियां बनाई जाती हैं, जो 1 घंटे में 1000 रोटियां आराम से बन जाती हैं और बड़े आराम से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, सेवादार हैं, संगत में भी लोग बहुत सेवा करते हैं। यंगस्टर यहाँ पर आके सेवा करके बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को खाना खिलाते हो तो उसकी जो फीलिंग है, जो सेवा की फीलिंग, वो बड़े अच्छे से महसूस की जाती है। तो महाराज का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे चलने के लिए इस चीज़ का अहमियत बहुत बढ़ जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो संसार में आया है उसको भूख तो लगती ही है। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उनका ये पावन ऐतिहासिक स्थान है जिसपे हर जगह बड़े ही सुंदर, महाराज के यहाँ पर 3 निशानियाँ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के हस्तलिखित स्वरूप है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का भेजे हुए 2 हुक्मनामे हैं, जो 1 1693 में और 1 1701 में यहाँ पे आया। सो 3 जो गुरु महाराज की निशानियाँ हैं, उनके दर्शन करने, अब क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोगों को पता लग गया, तो बाहर से भी, विदेश से भी यात्री आते हैं, देश प्रदेश से भी आते हैं, सो उनके सबके लिए ही प्रॉपर इंतज़ाम, अगर वो किसी भी समय आए और वो ये खाने का इंतज़ाम चाहिए तो लंगर उनके लिए हर समय खुला रहता है। वैसे जो प्रॉपर में ज़्यादातर बहुत गिनती के लिए लंगर बनता है, ज़्यादा लोग जब आते हैं, तो वो अभी इतवार को, शनिवार को और उसके साथ गुरुवार को लंगर तैयार किया जाता है और ये बड़े ही अच्छे तरीके से इस नियम को यहाँ पर निभाया जा रहा है। आप जब भी कभी यहाँ पर आएँ तो लंगर का आनंद लें। इसमें जो स्वाद है वो हम खाना तो कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आता है वो असल में भक्ति भावना का, संगत के प्यार का, बनाने वालों की श्रद्धा जो है, उस वजह से लंगर का एक अपना ही टेस्ट है। इसलिए लोग अगर कहीं भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो इस लंगर का विशेष रूप से आनंद उठाते हैं।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ पर दूर दूर से संगत बड़ी श्रद्धा से आती है और मत्था टेकती है और उनकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। आज अभी आपने देखा ऊपर मशीनें लगी हुई हैं लंगर के लिए। यहाँ हमेशा लंगर चलता रहता है, संडे को सारा दिन लंगर चलता है, सैटरडे को शाम को और थर्सडे को भी शाम को लंगर चलता है। हजारों लोग लंगर छक के यहाँ से जाते हैं। आपने देखा है मशीन, आटे गूंदने वाली मशीन, फिर उसके बाद वहाँ आटा गूंद के रोटियाँ जहाँ बनती हैं वहाँ बड़ी मशीन लगी हुई है, वहाँ रोटियाँ बनती हैं और फिर आगे रोटियाँ पक के तैयार होती हैं, फिर संगत को छकाई जाती हैं। बड़ी ही श्रद्धा से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे किसी वर्ग का किसी कास्ट का आदमी आ जाए उसको उतना ही सत्कार दिया जाता है जितना कि बड़े आदमी को सत्कार दिया जाता है। यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता।